टीम इंडिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। काफ़ी लंबे वक्त तक टीम इंडिया से बाहर रहे थे शिखर धवन और उसके बाद अब अचानक से ही संन्यास का ऐलान कर दिया। दरअसल शनिवार सुबह वीडियो मैसेज के जरिए शिखर धवन ने संन्यास का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस संन्यास के बारे में सोचा और उन्होंने अपने बचपन के कोचेज़ का भी धन्यवाद कहा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, शिखर धवन ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। सबसे पहले उन्होंने वनडे में पदार्पण किया था, उसके बाद एक साल बाद ही उनको T20 खेलने का भी मौका मिल गया था। साल 2013 में टेस्ट मैचों में भी उन्होंने डेब्यू किया। 2013 में ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन अब उन्होंने टीम इंडिया से संन्यास का ऐलान कर दिया है। शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मुकाबला 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इसके बाद वह दोबारा टीम में नज़र नहीं आए। शिखर धवन ने पोस्ट करते हुए लिखा, मैं अपने क्रिकेट के सफ़र का अध्याय खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने साथ कई सारी यादें ले जा रहा हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया और अपने इस वीडियो में धवन ने अपने सफ़र के लिए परिवार, दोस्तों, टीम इंडिया के साथियों, कोच को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें नज़र आती हैं और आगे देखने पर पूरी एक दुनिया। मेरी एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो पूरा हो गया है, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के दोस्त तारिक सिन्हा सर, मदन शर्मा सर, वो टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला, और इसके साथ ही उन्होंने अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों का भी शुक्रिया अदा किया। इस खबर में अभी तक के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।